हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूटूथ स्पीकर की कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैं जब भी यूज़ करता हूं तो इसका साउंड फटा हुआ आता है। मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूं कि इसको ऑन करने पर साउंड कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस स्पीकर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसके अपर कैप को रिमूव करेंगे और फिर पतले स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें जो प्लास्टिक की लोअर कैप है इसको रिमूव करेंगे। लोअर कैप के नीचे 8 पतले स्क्रू होते हैं, फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उनको रिमूव करेंगे। स्क्रू रिमूव करने के बाद स्पीकर के रबराइज बेस को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव करेंगे। बेस को रिमूव करते ही स्पीकर का आउटर कवर निकल जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि ऊपर का जो कवर है वो निकल गया है। इसमें दोनों तरफ स्पीकर होता है, एक बेस के लिए और एक वॉल्यूम के लिए। जो हमारा बेस वाला है वो तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो जिससे साउंड आती है उसका जो हमारा स्पीकर का जो क्लॉथ है या आप कागज कह सकते हो, वो फटा हुआ है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो जहाँ पर मेरा CSD लगा हुआ है, यहाँ पर ये पूरा फटा हुआ है। अब हम इसको रिपेयर करेंगे। हम इसको रिपेयर फेविक्विक की मदद से करेंगे। जहाँ से भी स्पीकर फटा हुआ है वहाँ पर हम फेविक्विक लगा देंगे। हम रिपेयर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी ऊपर से पेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा स्पीकर रिपेयर हो गया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करते हुए हम सबसे पहले मेन बॉडी को आउटर कवर के अंदर डालेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने मेन बॉडी को जो हमारा आउटर कवर है उसके अंदर डाल दिया है। अब हम एक एक करके 8 स्क्रू को फिक्स करेंगे, जिससे मेन बॉडी और आउटर कवर फिक्स हो जाएगा। स्क्रू लगाने के बाद हम प्लास्टिक कैप और ऊपर की जो रबराइज कैप है दोनों को लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। असेंबल करने के बाद हम स्पीकर को चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम स्पीकर को ऑन करके और मोबाइल या अपने टीवी से कनेक्ट करेंगे कि साउंड कैसा आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्पीकर से साउंड आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अभी स्पीकर का जो साउंड है वो फटा हुआ नहीं आ रहा है। हमारा स्पीकर रिपेयर हो गया है। आप भी अपने घर पर अपना स्पीकर ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।